हजारीबाग में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण किया गया। 100वें एपिसोड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात मार्कम कॉलेज के बच्चों के साथ सुनी और उसके बाद उन्होंने बच्चों की क्लास भी लगाई और यह जानने की कोशिश की कि उन्हें मन की बात में क्या अच्छा लगता है, आगे वो किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनना चाहते हैं। नमस्कार, बाइस स्कोप देख रहे हैं आप और अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग के मार्कम कॉलेज में। आज मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रकाशन हुआ है और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने मार्कम कॉलेज के छात्रों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना है। सबसे खास बात यह रही कि मन की बात कार्यक्रम के बाद जयंत बाबू की क्लास भी यहाँ देखने को मिली और उन्होंने इस क्लास के माध्यम से छात्राओं से और लोगों से जानने का प्रयास किया कि आने वाले अगले एपिसोड में, आगे के एपिसोड में प्रधानमंत्री के साथ कौन से और मुद्दे हैं जिसे वो इस मन की बात में सुनना चाहते हैं, या यह उन्होंने जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री किस मुद्दे पर बात करें। छात्रों ने भी अपना सुझाव जयंत बाबू की क्लास में रखा। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम का खास और क्या कुछ कहा जयंत सिन्हा ने कार्यक्रम के बाद और क्या कुछ छात्रों ने कहा, ये सुनते हैं। जयंत, मेरा नाम कैडेट दीप्ति कुमारी है, मैं मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 22 झारखंड बटालियन की मेंबर हूँ। मुझे मन की बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री अपने द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में बताते हैं और उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो कंडीशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके वजह से हम सभी को समान भावना वाली परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद उस चीज़ के जानने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होने लगती है और इसलिए मुझे मन की बात बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सबका साथ और सबका विकास एक साथ होता है। धन्यवाद। हर मन की बात एपिसोड जो होता है बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही मनोरंजक होता है, लेकिन आज रोचक और मनोरंजक तो था ही, लेकिन बहुत हम लोगों को भावुक भी किया इस 100वें एपिसोड ने, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा इसका इतिहास बताया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को वापस लाया जो मन की बात में वो उन्होंने भाग लिया है और उन्होंने हम लोगों को ये भी बताया कि किस प्रकार से मन की बात के माध्यम से देश में परिवर्तन आया है, देश में बड़े बड़े विषयों पे हम लोगों ने विकास किया है। तो इस कारण आज हम लोगों के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक और मार्मिक कार्यक्रम। नमस्कार, बाइस स्कोप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल को आयोजित हुआ। इस दौरान डाल्टनगंज के टाउन हॉल में मन की बात कार्यक्रम में पलामू संसद समेत सैकड़ों लोगों ने मन की बात सुनी। इस अवसर पर स्थानीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन टाउन हॉल में बड़े LED स्क्रीन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद समेत सैकड़ों लोगों ने मन की बात सुनी। इस अवसर पर स्थानीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन टाउन हॉल में बड़े LED स्क्रीन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी देश